2,500 साल पहले से भी पहले इस नाटक को मंचित किया गया था। इस बार जैसे आपने कहा 25 दिन में बचा ले, वैसे ये 25 साल है। NST कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि थिएटर एक ऐसा कला है जिसमें संगीत है, नृत्य है, शिल्पकला है, लिटरेचर है, सब कुछ है, और जज्बा हो और मेहनत करने की ललक हो। ऐसा क्या फॉर्मूला है NSD के पास कि बड़े बड़े सितारे बन के निकलते हैं यहाँ? NSD में आग है और NSD में सोना लेके हम उसको तपाते रहते हैं। 18 घंटे तो मिनिमम यहाँ लोग काम करते हैं। बाहर के लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, तो हमें ही पता है क्या चल रहा है। सेक्रेट गेम्स के 2 सीजन आए और दोनों में ही 2 बातें दर्शकों के दिमाग में घर कर गई। पहली ये कि 25 दिन है तेरे पास बचा लेना अपने शहर को, और दूसरा ये कि सब मर जाएंगे, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। अब सेक्रेट गेम्स में जिन्होंने त्रिवेदी का किरदार निभाया था उनका नाम है चितरंजन त्रिपाठी जी, और अभी वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD के डायरेक्टर के रूप में है हमारे साथ। तो सर चितरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो अभी ये मौका जो है वो है भारत रंग महोत्सव 2024 का, और क्योंकि NSD इसे करवाता है और पूरे देशव्यापी है ये महोत्सव, सभी जगह छोटी छोटी मतलब एक इवेंट होता है, और सबसे ग्रैंड इवेंट जो होता है वो दिल्ली में होता है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले शुरुआत में थोड़ा सा त्रिपाठी जी से जान लेते हैं। तो मुझे सर आप थोड़ा सा बता सकते हैं भारत रंग महोत्सव के बारे में? भारत रंग महोत्सव 1999 में शुरू हुआ था, तब तो ये एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में शुरू हुआ था, और फिर 25 साल होते होते इस बार जैसे आपने कहा 25 दिन में बचा ले, वैसे ये 25 साल है। सो 25वां साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस बार लार्जेस्ट तरीके से ये फेस्टिवल हो रहा है। एज सच दिस इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, और इस बार हम जो कर रहे हैं 15 डिफरेंट शहर में हम कर रहे हैं। सो फार दिस इज़ द बिगेस्ट इन इंडिया एज वेल, और हर सेंटर में बहुत ग्रैंड तरीके से होता है। इससे पहले हर साल दिल्ली में ही हम इनॉग्रेट करते थे और कंक्लूड करते थे, इस साल हमने बॉम्बे में इनॉग्रेट किया और दिल्ली में हम कंक्लूड कर रहे हैं परसों 21 को। सो 21 तारीख को हम क्लोजिंग सेरेमनी कर रहे हैं भारत रंग महोत्सव का कमानी में शाम के 6 बजे, और उसी दिन उस सेरेमनी में हम नाटक कर रहे हैं समुद्र मंथन। समुद्र मंथन जो है 2,500 साल पहले से भी पहले इस नाटक को मंचित किया गया था। ऐसा लिखा गया है कि भरत, जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा है भरत मुनि, उन्होंने अपने 100 पुत्रों के साथ ये प्ले किया था। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि विश्व का संभवतः ये पहला नाटक है, इसको हम कर रहे हैं। और उसी दिन शाम को 4 बजे या आफ्टरनून में 4 बजे हम लोग एक अलग तरह का एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें भारत के हर कोने से करीब 1500 से 2000 के करीब थिएटर ग्रुप्स एक ही समय पे एक नाटक करेगा, और जो कि भारत रंग महोत्सव का एक जन भारत रंग के रूप में वो लोग शामिल होंगे। और ये मेरे ख्याल से एज सच भारत रंग महोत्सव इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल फेस्टिवल, और उस दिन अगर हम 1500 या 2000 नाटक कर पाते हैं एट अ टाइम, दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। एंड जो प्राइड है हमारे देश का, जो प्राइड है हमारे देश के नाटक का, वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। और उस दिन हम वसुधैव कुटुंबकम से प्रेरित होकर, क्योंकि हम नाटक के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम, इस बार का उद्घोष भी वही है वसुधैव कुटुंबकम, तो हम जो वन अर्थ वन फैमिली में विश्वास करते हैं, जो महा उपनिषद से आया है, उसके तहत हम कर रहे हैं। तो उस दिन का जो नाटक है, उस दिन नाटक का समाज में नाटक का क्या रोल है, और वसुधैव कुटुंबकम, पंचप्रण और विकसित भारत, ये तीनों चीज़ को लेके नाटक क्या और कर सकता है, कैसे लोगों को और समृद्ध बना सकता है ज्ञान से, कल्चरल एक्सचेंज से, इस सब चीज़ों के बारे में चार बजे उस दिन परफॉर्म करेंगे लोग। जैसा कि आपने बताया कि रीजनल सेंटर्स में और दूसरी दूसरी जगह पर भी देश की अलग अलग जगह पर हो रहा है, तो कुछ आप नाम बता सकते हैं कहाँ कहाँ पर हो रहा है, और ये पहली बार हो रहा है शायद जैसा आपने बताया? नहीं, पहली बार 15 जगह पे हो रहा है। हाँ, मतलब भाई बाहर क्षेत्रीय लेवल पर दिल्ली समेत 14 जगह और, जिसमें हमारे 5 सेंटर्स हैं, श्रीनगर, गैंगटॉक, अगरतला, बनारस, बैंगलोर, ये 5 जगह पे हो रही है, दिल्ली में हो रहा है। इसके अलावा हमने बॉम्बे में इनॉग्रेट किया, पुणे में किया, भुज में पहली बार जाके NSD ने इस बार किया, भुवनेश्वर में किया, पटना में किया, और रामनगर जो उत्तराखंड में उसमें किया, जोधपुर में किया, विजयवाड़ा में पहली बार किया, साउथ में विजयवाड़ा में किया,
तो इस तरह से मतलब काफ़ी भव्य रहा इस बार, काफ़ी विशाल रहा और 25 साल का सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छे से अभी तक हुआ है। सिल्वर जुबली मनाई गई BRM की। जी सिल्वर जुबली कह दीजिए जो भी कही। अच्छा कितना मुश्किल होता है सर कि मतलब अलग अलग जगहों से आप लोगों को इकट्ठा करना पड़ता होगा, जैसा कि मैंने देखा भी कि बाहर से दूसरे देश से रशियन जो कलाकार थे उनसे मेरी बातचीत हुई, कैसे मतलब आप लोग बुलाते हैं इन लोगों को, कैसे इन लोगों से संपर्क साधते हैं और कैसे मैनेज करते हैं कि सब कुछ सफल रूप से हो जाए जो भी प्लान है? इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो यही है कि हम अपने वेबसाइट में और बाकी एड्स देते हैं जिससे इंटरनेशनल प्लेस भी आते हैं, नेशनल प्लेस भी आते हैं। नेशनल इन द सेंस हमारे जो अलग अलग भाषा के नाटक आते हैं अपने देश में से, तो इंटरनेशनल सेगमेंट में हम 10 प्ले चूज़ करते हैं और उनका यहाँ पे लोकल सपोर्ट स्टेज सब कुछ देते हैं, उनको दो शो करने के लिए देते हैं। और जो भारतीय प्ले होते हैं उसमें से हम 55-60 प्ले चूज़ करते हैं और उसको फिर हम कोशिश ये करते हैं कि अगर बंगाली प्ले है तो वो कहीं और हो, मलयाली प्ले हो तो केरला से कहीं और हो, बंगाल का प्ले बंगाल में ना हो के किसी दूसरे प्रांत में हो, सो दैट एक एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज हो। बाकी हिंदी प्ले क्योंकि हिंदी का एक मतलब हिंदी ज़्यादातर लोग अभी समझने लगे हैं तो हिंदी प्ले कहीं भी करो तो वो तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भाषा जिस प्रांत का है वो वहाँ ना हो के किसी दूसरे प्रांत में हो, ताकि उसके लोकल लैंग्वेज की जो फ्लेवर है, लोकल लैंग्वेज में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लोकल संगीत जो है, लोकल डांस जो है, ये तमाम चीज़ों को दूसरे प्रांत के लोग भी देखें और जानें और पहचानें। दूसरा रहा मैनेजमेंट की बात, NSD कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, लेकिन NSD में जो पैशन है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, फैकल्टी, स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट के सारे स्टूडेंट्स और हमारे जो पास आउट्स हैं जो जिस प्रांत में रहते हैं उनको एक फ़ोन करके अगर आप कहते हो कि भाई पटना में कर रहे हैं आप लोग हेल्प करिए, तो NSD के लोग बहुत पैशन के साथ हेल्प करते हैं। तो ये जो ब्लड एंड स्वेट पिछले 25 साल से लोगों ने दिया है उसी का नतीजा है कि आज ये वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा फेस्टिवल है। मैं तो अभी 5 महीने से जुड़ा हूँ लेकिन 25 साल से अनवरत हमारे लोग ये कर रहे हैं, बहुत ही कमेंडेबल है सर। और मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आप NSD से, जैसा कि अभी आपने बताया, 5 महीनों से जुड़े हुए हैं, NSD में कई लोगों का सपना रहता है जिसका भी थिएटर में, रंगकर्म में दिलचस्पी है, वो सब चाहते हैं कि NSD में हमें जाने का मौका मिले। क्या रहता है एक स्टूडेंट के अंदर, क्या होना चाहिए कि उसको NSD में एडमिशन मिले? स्टूडेंट के अंदर जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए और तैयारी होनी चाहिए और थोड़ा सा जानकारी हो अपनी दुनिया के बारे में, अपने थिएटर की दुनिया के बारे में, लिटरेचर के बारे में, संगीत के बारे में, क्योंकि थिएटर एक ऐसा कला है जिसमें संगीत है, नृत्य है, शिल्पकला है, लिटरेचर है, सब कुछ है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो, अच्छी जानकारी हो और अच्छा है, और थोड़ा एक्सपीरियंस हो थिएटर का, चाहे किसी भी तरह से बैक स्टेज हो, ऑन स्टेज हो, ये सब होना चाहिए, और जज्बा हो और मेहनत करने की ललक हो। क्या लगता है आपको कि आने वाली जो जनरेशन है वो रंगकर्म को उस तरह से फॉलो कर पाएगी, निभा पाएगी जैसे इस तरह से आप लोगों ने किया जैसे? हाँ निभाएंगे, वो अपने तरीके से निभाएंगे। ये कह देना कि अरे हम ही सब अच्छा करते थे और ये जनरेशन तो वैसा वैसा, ऐसी बात नहीं। हम भी जब यंग थे तब भी हम ऐसे सोच रहे थे, सुनते थे, पर हम लोगों ने भी अपने तरीके से किया, ये लोग भी अपने तरीके से करेंगे, कंटिन्यूटी तभी रहेगी अगर। और लेकिन मतलब मुझे उम्मीद है कि जो अभी का यूथ है वेरी वेल इन्फॉर्म्ड और टेक्नोलॉजी से वो मतलब वो वाकिफ है, तो इसको और ऊंचाई तक लेके जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। अच्छा एक और चीज़ है, मतलब मैंने यहाँ पर रेपेट्री वगैरह देखी, यहाँ पर क्लासेस चलती हैं कुछ, मतलब NSD के बारे में लोगों को जिज्ञासा रहती है कि इतना बड़ा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे सिखाया जाता लोगों को, ऐसा क्या फॉर्मूला है NSD के पास कि बड़े बड़े सितारे बन के निकलते हैं यहाँ से, आप जिनका नाम, आपका भी नाम जिसमें शुमार है, तो मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। NSD में आग है और NSD में सोना लेके हम उसको तपाते रहते हैं और NSD में सुनार हैं जो उसको आग में तपा तपा के मारते रहते हैं। सो 24 घंटे का ये जो माहौल है, ये तपस्या है, 3 साल की बड़ी कड़ी मेहनत है, 18 घंटे तो मिनिमम यहाँ लोग काम करते हैं और बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, और नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली बेस्ट ऑफ फैकल्टीज़ यहाँ आती है, नेशनली भी आती है, इंटरनेशनली आती है, सो बहुत कुछ बच्चों को मिलता भी है और साथ में बच्चे भी बहुत जूझते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, नई आइडेंटिटी
या नया स्टाइल अपने लिए या नया स्वर ढूंढते हैं। एनएसडी ऐसा है, एक बाहर के लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, तो हमें ही पता है क्या चल रहा है, लेकिन वही मन में मतलब कि भट्टी है, भट्टी आग है, आग में तपा के सोना निकालते हैं, उसको तराशते हैं। और ये आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अब जो आगे वाली जो जनरेशन है, जो नए एक्टर्स बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, फिल्मों में या फिर रंकर में अपना भविष्य देखते हैं, उनके लिए कोई एक टिप अगर चित्रंजन त्रिपाठी देना चाहें तो? मेहनत, मेहनत और मेहनत, फिर मेहनत और मेहनत, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि डेस्टिनी जो है, किसने देखा नहीं है कि कल भाग्य में क्या होगा। अगर आपने कुछ देखा नहीं, अगर कुछ देखा है तो लोगों को मेहनत करते हुए देखा है और उसका फल प्राप्ति भी आपने देखा है, तो आप भी मेहनत करिए। और मेहनत की कोई सीमा नहीं है, करते जाइए। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, सो कर्म कर्म कर्म। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ अभी बातचीत की चित्रंजन त्रिपाठी जी ने, जो कि एनएसडी के डायरेक्टर हैं, और भारत रंग महोत्सव 2024 चल रहा है। यहाँ पर देश विदेश से, जैसे कि मैंने आपको बताया, देश विदेश से सभी जगह से अलग अलग टीमें आ रही हैं जो अपने कलाओं की प्रस्तुति दे रही हैं, यहाँ पर रंगकर्म कर रही हैं। आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर आया था मैं, शेख नावेद। कैमरे पर मेरे साथ हैं जतिन गोठवाल। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।